जिद्दी दिल है एपिसोड नंबर 2। आज के एपिसोड में अब क्या बताओ, आज की कहानी में हम बताऊंगा, कल के एपिसोड में आपको पता होगा करण और मोनू ये दोनों कहाँ मिलते हैं, एक स्कूल में जहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और यहाँ पे करण से पैसा मांगता है, जो करण पैसा तो नहीं देता है लेकिन तोड़ जोड़ देता है। और यहाँ पे मोनू को लगता है यह करण उसी बंदे के साथ आया हुआ है, तो वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस यहाँ करण को देख के उसको सैल्यूट करते हैं, यह देख के वो शॉक्ड हो जाता है। तब पता चलता है नहीं भैया ये एक पावरफुल है। यह कल की एपिसोड थी। आज के एपिसोड में क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि मोनू करण को सॉरी नहीं बोलता है। जी हाँ, वो सॉरी नहीं बोलती है और वो ऑफिस मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल और मोनू दोनों मीट कर रहे हैं और मीटिंग में यहाँ पे मोनू को बोलते सर मैं आई कमिंग, तो प्रिंसिपल बोलते हाँ आइए बैठिए, हाँ आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ कुछ वो अपने सर्टिफिकेट्स देते हैं और यहाँ वो अपने कैंडिडेट को मतलब लड़की और लड़के को ट्रेन करवाना चाहते हैं। किस चीज़ को लेकर ट्रेन, क्योंकि मोनू एक बोल सकते हो कराटे लड़की है, मतलब वो कराटा सीखी हुई है और वो सीखना अपने ऑडियंस मतलब अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ कराटे टीचर जो चाहिए नहीं, या प्रिंसिपल बोलते हैं किसको, मोनू को, कि यहाँ प्रिंसिपल यहाँ तो कराटे स्टूडेंट चाहिए नहीं, टीचर नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको ज़रूर एक बार चांस देंगे। आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे बच्चे को पहले स्टार्टिंग कीजिए, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक ऑफर्स दीजिए, अगर स्टूडेंट तैयार हो जाए तब हम बात करेंगे। ये वाला कौन सी सीन हो गए, अगर आप देखे होंगे मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को बोलते हैं ठीक है अगर आप कोई भी स्टूडेंट जुगाड़ कर दिए तो हम सोचेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे मोनू स्कूल में कुछ बच्चे के साथ बात करती है, ठीक है, लेकिन कोई भी लड़की या कोई भी बच्चे तैयार नहीं होते हैं। लेकिन दूसरी जगह यहाँ पे करण भैया का, करण साहब का छोटी जो बहन है क्लास 3 में, मतलब छोटी है क्लास 3 में नहीं, छोटी बहन है, वो मोनू से बोलते हैं मैं करना चाहूँगा, मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भैया एक कमांडर है और मैं भी चाहता हूँ मैं कुछ बनूँ। तो मोनू खुश हो जाती है तो वो उसको सिखाती है, ठीक है, और सिखाने के बाद क्या होता है, गिर जाती है। कौन गिर जाती है, करण की छोटी बहन गिर जाती है और करण वो देख लेते उसकी बहन गिरी हो, उसको जाता है बहन को उठाने लगता है और मोनू को झाड़ने लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आता है एक बच्चे को गिरा दिया, ये है वो। तो मोनू बोलता है आप कौन होते हो बोलने वाले, निकलो यहाँ से, ये मेरा स्टूडेंट है। मतलब करण और मोनू के बीच में बहस होने लगता है, ठीक है। तो उसी बीच में एंट्री होता है एक नई लड़की का, मतलब यह है बोल सकते हैं करण के बहुत ही खास, और करण की जो छोटी बहन है उसके साथ उनकी बॉन्डिंग है, जिनका नाम है संजू। जी हाँ मेरे दोस्त, संजू का एंट्री हो रहा है और यहाँ पे करण और मोनू के बीच में जो फाइट होती है, झगड़ा होता है, उसको रोक लेते हैं, बोलते सर जी छोड़िए ना, क्या लड़की से आप लड़ रहे हो। तो इसके बीच में मोनू बोले कि तुम भी तो एक लड़की हो, तुम एक लड़की होते हुए एक लड़की को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यह सब देख के करण के छोटी जो बहन है बोलते अरे माँ जी क्या चल रहा है ये सब, ये सिर्फ मेरे लिए। तो वो रोकती है और बोलती है कि ये मेरे भैया है करण साहब, साहब एक टाइटल डाला हुआ हूँ, ठीक है, मैं इन्हीं से मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि ये एक कमांडर है, मैं इनकी तरफ बनना चाहता हूँ। तब मोनू को क्लियर होता है ये जो छोटी सी छोटा पैकेट है यह कौन है, करण की बहन है जो इस स्कूल में पढ़ती है। तो वो दोनों सॉरी बात करके मोनू वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे करण अपनी छोटी बहन को और अपनी संजू दोस्त को बोलती कैसी लड़की है यार, सिर्फ झगड़ा कर दिए और मुझे फंसा देती है, ठीक है। यह है एपिसोड नंबर 2, आज की एपिसोड यह है। गाइस आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है यह जरूर बताना, बहुत सा ऑडियंस है जो मेरी वीडियोस को पसंद नहीं करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे शो को, भाई मैं यह कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक स्टोरी बेस्ड एपिसोड चला रहा हूँ जो आपको धीरे धीरे पसंद आएगा, ओके।
यह है एपिसोड नंबर टू। अगर एपिसोड नंबर वन नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में देखो, एपिसोड नंबर वन डाला हुआ है स्टोरी में। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।